कौन है तुलेश्वर सिंह मरकाम, कैसे राजनीति में आए, क्या है उनकी शिक्षा दीक्षा, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं एक साधारण परिवार में जन्मा, कहने के लिए पिताजी शिक्षक थे, हमारे पार्टी के फाउंडर दादा हीरा सिंह मरकाम के नाम से प्रसिद्ध हुए, पूरा नाम हीरा सिंह मरकाम, उनका भी जन्म तिवर्ता में हुआ। शिक्षक के रूप में कार्य करते करते उनका पोस्टिंग पूरी पूरा विकासखंड मुख्यालय में पोस्टिंग हुआ और वहीं हम रहते थे, परिसर साला परिसर में उनके आवासीय बिल्डिंग में, और पौड़ी पुरोड़ा में ही हमारा जन्म हुआ। जन्म स्थान हमारा पौड़ी प्रतिवर्ता नहीं, पौड़ी पुरोड़ा ही है। इस तरीके से हम फिर पिताजी का तबादला तिवर्ता में हो गया मुख्य अपने गिरिग्राम में, तो वहाँ हम स्कूल तो जरूर जाते थे मगर वहाँ पर हमारा प्रवेश साला में प्रवेश नहीं हुआ था। तिवर्ता आए तब जाकर कक्षा प्रथम में हमने सारा प्रेस लिया। कक्षा 12 तक के जो शिक्षा दीक्षा हमारी ग्राम तिवर्ता में हुई, पिताजी सामाजिक राजनीतिक नेता कम थे, सामाजिक व्यक्ति अधिक थे, हमेशा समाज के बारे चिंतन मनन करते थे और समाज को जन जागृत लाने की नशा मुक्त बनाने के लिए उनका आंदोलन लगातार चलते रहता था कि आर्थिक समृद्धि समाज में कैसे आए। तो लगातार बाहर घर से बाहर उनका दौरा होता था, जो समाज के बीच में होता था, इसमें हमारी पढ़ाई लिखाई भी हम खुद मेहनत किए, खुद खेती करते थे बचपन में, यानी क्लास 10वीं कक्षा के आने के बाद हम खुद खेती बाड़ी करते थे, खुद खेती संभाल लिए थे, खेती करते करते हम पूरी पढ़ाई किए। हमको जो गांव की जो व्यवस्था थी पुरानी प्राचीन परम्परा से खेती होती थी बैलों से और धान नांगर जिसको बोलते नांगर है, गांव के साथ बोले कुर्री कोपर जो कथे हैं गांव में है ना, वो सब चलाए हमन, भैंसा नांगर बैला नांगर कुर्री कोपर मटा मिर्चा सब लगाए ना, खुद हमन धान लुए हैं धान बोए हैं सब चीज़ करे हैं। ओकर पढ़ाई करते करते हमन पढ़े फिर LLB MBA करे के बाद सीधा ला के डिग्री ले लें, LLB पास हो गए हमन। LLB करे के बाद जिला न्यायालय में हमार बिलासपुर में ओकर बाद हाई कोर्ट में हमारे प्रैक्टिस रही से। पिताजी के जब 2020 में कोरोना काल के समय निधन, कोरोना तो नहीं, कोरोना काल के समय निधन हुई से, ओकर बाद जिम्मेदारी मुर्त रही कि भाई मोर जमे जुमा जो चेम्बर है आज भी हमारे नाम से चेम्बर है हाई कोर्ट में, अभी हमारी टीम बैठती वहाँ मुख्य जमे जुमा है भाई हमारे चेम्बर तैयार है। तो नहीं भैया बोले अब दादाजी के आंदोलन आगे कौन बढ़ाई, अब घर के मन नहीं है तो बाहर के उनको ना ही, अब घर घरे के मन तो उन छोड़ के चल दी है दूसरे रास्ता, तो चलो भाई ठीक है। अब आप सबका सबने कहा भाई सबके सम्मान भी रखना था समाज वालों का पार्टी संगठन वालों का, हमने तो कहा भाई जिसको भी बनाना हो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना लीजिए और हम परस्पर आपके बीच में आते रहेंगे जाते रहेंगे, हर बैठक में आएंगे जाएंगे, हर सहयोग करेंगे और एक कोर्ट में भी जरूरत पड़े तो हम कोर्ट में भी रहेंगे। तो नहीं भैया बोले अब कोर्ट कचहरी काम तो ठीक है और भी लड़के ला कर रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं वो तो कर सकते हैं, और परिवार के नाते आप उनके बड़े बेटे हैं तो आपको आना चाहिए, आना पड़ेगा, हम निवेदन भी करते हैं और संगठन की ओर से सबके तरफ से जो संदेश मिला जो निवेदन मिला और उनका जो पार्टी के जो कोर कमेटी होती है बैठक हुआ, बैठक में भी तय कर लिए कोर कमेटी वाले कि भैया को पार्टी में आना है राजनीतिक रूप से और जिम्मेदारी तय करना है, फिर उसी में तय कर दिए थे। पिताजी थे उसी समय, स्वास्थ्य खराब था तो उसके बाद से हमारा जो है संगठन पूरे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश ये तमाम जगह चलती रहती है और चलती रही राजनीतिक रूप से। फिर उसके बाद से हम पार्टी के मुखिया होने के नाते तमाम राज्यों में दौरा किया, दौरा करते 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 फिर लोगों की समस्याएं को जाना, सभी राज्यों में अलग अलग समस्याएं हैं पर जनजाति समाज का जो है सबसे बड़ा जो मुद्दा है, मध्य प्रदेश दौरा करता हूँ तो मुझे आज भी लगता है सरकार के आंकड़े जो देखेंगे 2003-04 से लेकर के 2018-19 2215 अरब रुपये खर्चा हो गया आदिवासियों के नाम से, आदिवासियों के विकास के लिए, परंतु किस आदिवासी के विकास को समझ ही नहीं आया।
छोटी मोटी राशि नहीं है, जिसको कहा जाता है STSC सब प्लान। ये आदिवासी समाज को उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए बहुत पैसा आई है सरकार के अलग अलग योजना पर, आदिवासियों के विकास नहीं। ये सब देख करके, हमारे दौरा करता नहीं था, जब दौरा में गया तब देख करके दुरित हो गया, तब मुझे भाई कि इनके बीच में आना चाहिए, इनके लिए काम करना चाहिए। निश्चित रूप से दादा मरकाम जी कहीं ना कहीं इन्हीं सब से सुविधा होकर के राजनीति में आए होंगे, तो मैं भी फिर उस राजनीति पे उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए दौड़ पड़ा। इस पे उस सफर करते करते फिर छत्तीसगढ़ में चुनाव आ गया, जनता ने आशीर्वाद दे दिया। इस बार हमने चुनाव पर लड़ा पिताजी के निधन के बाद, फिर जनता ने आशीर्वाद भी दे दिया जी। और आज मैं यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, जनता का सेवक के रूप में चुना गया हूँ, जनता का सेवा कर रहा हूँ। लगातार उनके बीच में जाकर कि यहाँ की सड़क की, बिजली की, पानी की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, ये तमाम जो आज जहाँ तक नहीं पहुँची, जहाँ सुविधा नहीं पहुँच पाई है, वहाँ पहुँचाने का काम कर रहे हैं हम लोग।